हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम मंगलवार के निफ्टी ऑप्शन की ट्रेडिंग देखेंगे। तो देख सकते हो निफ्टी अभी ओपन हो चुका है मार्केट अभी जस्ट। तो डाउ जोन्स का फ्यूचर है, आप देख सकते हो 9 पॉइंट ऊपर है। नेस्टेक है 8 पॉइंट ऊपर और अभी प्री ओपन सेशन में निफ्टी का भाव जो है अपडेट हो रहा है। अभी मार्केट जस्ट खुलेगा अभी, तो ये पूछी है देख सकते हो 11 पॉइंट ऊपर और कैक का भाव भी बाद में खुलेगा 12 बजे। तो ये डेक्स का भाव आप देख सकते हो 18 पॉइंट माइनस में, तो ऑलमोस्ट फ्लैट है जो कि मार्केट है वो। और ये हैंगसेंग आप देख सकते हो अभी 200 पॉइंट के अराउंड अभी ग्रीन में है, तो मार्केट को एक सपोर्ट कर सकता है सेकंड हाफ में या फिर उसके पहले भी। ओके, तो देखते हैं अभी। तो ये जस्ट अभी मार्केट ओपन अभी हो गया है, देख सकते हो 11,680 पे। तो लगता था 11,700 के ऊपर एक ओपनिंग होगी, लेकिन अभी खुलते ही थोड़ा प्रेशर आ गया है निफ्टी में। तो देख सकते हो अभी मैं कॉल बाय कर रहा हूँ 300 क्वांटिटी मार्केट पे ही, लिमिट मैंने नहीं लगाई, जस्ट मार्केट पे ही बाय कर लिया 49.90 में। एज यू कैन सी हियर, और अभी पुट है यू कैन सी, तो अभी देख रहा हूँ मैं। तो एवरेज करने की एक कोशिश है और हेजिंग भी बोल सकते हो इसको, ये जो ट्रेडिंग है। ओके, तो अभी तो कॉल में मुझे प्रॉफिट अभी मिल रहा है, तो मैं अभी बुक कर लूंगा 300 क्वांटिटी जो कि 53 रुपीज है अराउंड। तो मैं उसे अभी प्रॉफिट आप देख सकते हो 1400 रुपये का प्रॉफिट। तो ऑर्डर बुक में देखेंगे, ओके 55 रुपये के करीब सेल हो चुका है और ये प्रॉफिट आप देख सकते हो 1473, 1400 रुपये का प्रॉफिट है। और प्राइस अभी देख सकते हो, तो मैं अभी पुट बाय करने जा रहा हूँ MIS में 300 क्वांटिटी। तो हेजिंग का एक जो प्रोसेस है मैं वो दिखाने जा रहा हूँ अभी आज इंट्राडे में, जो कि और कोई अभी नहीं दिखाएंगे आपको यूट्यूब में। तो देख सकते हो 11,700 का पुट है और इसमें भी रिस्क है, आप लेने से पहले थोड़ा होमवर्क कर लीजिए पेपर ट्रेडिंग। तो 300 क्वांटिटी मैंने बाई कर ली है, 300 क्वांटिटी यानी 4 लॉट, और मैंने कॉल को भी बाई कर लिया तुरंत ही, देख सकते हो टाइम 225 क्वांटिटी कॉल बाय कर ली, क्योंकि लगता नहीं अभी ऊपर जाएगा, तो नीचे की साइड ज्यादा लग रही है इसीलिए मैंने। तो अभी मेरा प्रॉफिट सिर्फ 400 रुपये हो गया है, 500 रुपये, तो अभी फ्लैट हो गया है, तो इसमें लॉस भी हो सकता है। तो आप सोच समझ के ट्रेडिंग कर सकते हो हेजिंग की, इंट्राडे के लिए या सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो देख सकते हो कॉल में अभी 225 क्वांटिटी ओपन है और पुट में 525, तो और भी मैंने ऐड किया है पुट में एवरेज करने के लिए। तो एवरेज प्राइस आई है 55.87 रुपीज़। तो कॉल को मैं अभी एग्जिट कर लूंगा क्योंकि मैं अभी श्योर नहीं हूँ, तो मार्केट पे ही मैं निकल जाऊंगा एज यू कैन सी हियर। तो 56.75 रुपये में कॉल को बेच दिया मैंने, तो देखना पड़ेगा अभी। और पुट का प्राइस अभी 54 रुपये के करीब है पुट का जो प्राइस है, देख सकते हो। तो अभी 1700 रुपये का प्रॉफिट है, आप देख सकते हो 900, 1000, 1300। तो हेजिंग की प्रोसेस है, लेकिन आपको मार्केट का व्यू अगर पता हो तभी आप ये कर सकते हो, अदरवाइज इसमें लॉस हो सकता है। जैसे कि 1400 रुपये का प्रॉफिट था मेरा, अभी ऑलमोस्ट बीच में फ्लैट हो गया था, अभी 2000 का प्रॉफिट है।
में अभी पुट में सेल का ऑर्डर लगाने की सोच रहा हूँ, वेट कर लूंगा। ओके, तो अभी कुछ नहीं करना, जैसा है अभी मैं चलने देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो अभी कॉल और पुट दोनों मेरा ओपन है। निफ्टी 10,705 पे है, तो कब तक यहाँ टिकेंगे वो भी देखना पड़ेगा कि यहाँ निफ्टी 10,700 पे सपोर्ट मिलता है या फिर उसको तोड़ के नीचे चली जाती है मार्केट, वो भी देखना पड़ेगा। तो कॉल का प्राइस अभी बढ़ने लगा है, एज यू कैन सी हियर, तो मैं बाई कर लूंगा अभी वापस से। मैंने जो पहले जो सेल किया उसे बाई का बटन दबाया, अभी 56 रुपये 56 पैसे में, तो वापस मैंने एक कॉल को बाय कर लिया। 300 क्वांटिटी अभी मेरी ओपन है और पुट भी ओपन है, तो हेजिंग करने के लिए 525 क्वांटिटी पुट की ओपन है मेरी। ओके, तो देख सकते हो 7 ऑर्डर मेरे हो गए अभी 0 था में। तो कॉल और पुट दोनों की स्ट्रेटेजी है, हेजिंग की स्ट्रेटेजी ये वर्क करती है, लेकिन आपको इसमें श्योर हो तभी कम कीजिए, स्पीड बढ़ाई हुई है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो देख सकते हो प्राइस, कॉल का प्राइस अभी 60 रुपये और पुट का प्राइस 50 के नीचे चला गया। और आप ये देख सकते हो अभी निफ्टी 712 पे, 11,712 पे, तो लगता नहीं यहाँ से बहुत आगे जा पाएगी अभी, तुरंत मार्केट खुलते ही, तो देखते हैं क्या होता है इसमें 10,710 पे। और ये प्राइस अभी देख सकते हो स्पीड बढ़ाई हुई है, तो देख सकते हो 1,200 रुपये का लॉस है। तो आप पहले पेपर वर्क कीजिए, बाद में कर सकते हो। तो ये मैंने ऐसा सेट किया है कि जितना निफ्टी ऊपर जाएगा मेरा लॉस बढ़ेगा और जितना नीचे जाएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। पुट में प्राइस देख सकते हो 52 रुपये, तो थोड़ा सेफ है स्ट्रेटेजी है मेरा। तो इसमें रिस्क है कि 11,750 पे चला गया निफ्टी, तो मेरा 10,000 या उससे 5,000 से 10,000 के बीच में लॉस होगा, और 11,700 के नीचे चला गया तो मेरा प्रॉफिट होगा 2,000 से 5,000 के बीच। तो एक ये सेटअप किया हुआ है मैंने मैंने थोड़ा होमवर्क किया है हुए इसमें, इसलिए मैं अपने स्ट्रेटेजी डिप्लॉय अभी कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हो दोनों में प्रॉफिट बहुत ही कम बार ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों कि कॉल और पुट दोनों में प्रॉफिट। तो देख सकते हो अभी 1,700 रुपये उसके आसपास और स्पीड ये बढ़ाई हुई है। तो निफ्टी 690 पे है, 11,690 पे, यानी 11,700 का जो लेवल है वो तोड़ चुका है। तो कॉल में से ओके, अभी मैं सोच रहा हूँ क्या किया जाए। ₹3,500 का प्रॉफिट पुट में, तो कॉल में से मैं एक्सिट हो गया और पुट में अभी मैं एक्सिट होने की सोच रहा हूँ 2,000। ओके, तो देख सकते हो 1,815 रुपये, 1,815, 1,800 जितना प्रॉफिट है, और ये कंप्लीट हो गया। 61 रुपये 25 पैसे में पुट को सेल कर दिया और कॉल को भी सेल कर दिया 49 के करीब। तभी एक और ट्रेड लेने की मैं सोच रहा हूँ, अभी देखूंगा। तो देख सकते हो 11,690 के करीब है जो निफ्टी है अभी, और उसमें अभी मैं ट्रेड लूंगा कॉल में, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, देखना पड़ेगा 90 के नीचे जाएगा तो ही कुछ ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ अभी, अदरवाइज कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रॉफिट में हो तो फिर कुछ रिस्क लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है मुझे। तो 90 का लेवल तोड़ के नीचे जा रहा है, चार्ट में देख सकते हो स्पीड बढ़ाई हुई है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। और पुट का जो प्राइस है वो बढ़ने लगा है 62 रुपये के ऊपर। ओके, 64 चला गया 65,
और कॉल का प्राइस है 44 रुपये। तो अचानक से एक गिरावट आई है निफ्टी में, देख सकते हो यहाँ पे। तो कॉल का प्राइस है 46 रुपये, 46, ओके 43 हो गया, 42 भी हो गया दोस्तों। तो अचानक से बहुत ही गिरावट आ गई निफ्टी में। तो अभी एक अच्छा है, थोड़ा रिकवरी आ सकता है 10 पॉइंट की। निफ्टी में ओनली 10 पॉइंट लेके चलते हैं हम, तो कॉल को बाय कर लेते हैं। क्वांटिटी सेट कर रहा हूँ अभी 41 का प्राइस। और पुट का देखो दोस्तों, अभी 75 चला गया पुट का जो प्राइस है, मैंने दोस्तों 62 रुपये में निकाला था, अभी 75। तो इस तरह आप ट्रेडिंग कर सकते हो हेजिंग की, सिर्फ इंट्राडे के लिए ये जो टेक्निक है। तो अभी मैं बाय कर लूंगा मार्केट पे ही 450 रुपये, 450 क्वान्टिटी, ओके 450 क्वान्टिटी और 41 रुपये 53 पैसे में। तो कॉल को बाय कर लिया, देख सकते हो 450। तो अभी सेल का ऑर्डर लगा रहा हूँ मैं 44 रुपये 50 पैसे में, बाद में मॉडिफाई कर लेंगे, नहीं आया तो। ओके तो एज यू कैन सी हियर, तो 11,665 निफ्टी। तो यहाँ से 10 पॉइंट अगर बढ़ेगा तो मैं इसमें से कॉल में से निकल जाऊंगा जल्दी से, क्योंकि एक बार जो ट्रेड मेरा खुला हुआ है इसलिए मैं सेफ नहीं हूँ यहाँ पे। तो हमेशा सेफ पोजीशन में ही ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट नीचे टूट गया तो मेरा जो प्रॉफिट है 2,000 रुपये का वो भी निकल जाएगा इसलिए। तो एक बाजू खुली हुई है मेरी, रिस्क की बात करें तो ये 450 क्वांटिटी। तो अभी मैं 43 कर दूंगा, क्योंकि जस्ट निकलना ही मुझे, क्योंकि तो वन साइड मेरी ओपन है। तो देख सकते हो निकल गया 43 में, 450 क्वांटिटी सेल हो गई। 9:34 को मेरा लास्ट ट्रेड, और इससे आगे अभी ट्रेड नहीं करूंगा मैं। तो देख सकते हो 2,500 रुपये के करीब प्रॉफिट है इंट्राडे में। तो पुट में ज़्यादा प्रॉफिट मिला 2,800 का, और 350 रुपये लॉस हुए कॉल में। ओके तो आप देख सकते हो, तो अगर आपको ये ट्रेड करना है तो आपको मार्केट के जो दिशा है वो पता होनी चाहिए, तो ही आप ये कर सकते हो इसमें। तो पुट का प्राइस है वो 68, कॉल का प्राइस 44। तो टोटल मेरे 11 ट्रेड हुए, तो 220 ब्रोकरेज लग जाएंगी उसमें, जीरो था की और दूसरे भी ट्रांजेक्शन जो टैक्स है वो भी मिला के शायद 400 रुपये या उसके आसपास हो जाएंगे। तो 2,000 रुपये बचेंगे। ओके तो देख सकते हो यहाँ से ऊपर गया मार्केट खुलते ही, और वापस से बहुत नीचे आ गया। बहुत ही कम दिन होते हैं जैसे इस तरह का पैटर्न मिलता है चार्ट में निफ्टी के। तो 11,680 पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो अभी 10 बजे मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, तो बाद में अभी क्या होगा वो देखेंगे। तो 12:30 एक मूव आया, मूवमेंट आ सकता है क्योंकि यूरोप के मार्केट खुलेंगे, तो ध्यान रखिए 12:30। तो अभी कोई मैं ट्रेड अभी नेक्स्ट में नहीं करूंगा इसके आगे। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।